पांच ऐसे पॉइंट्स जिन्हें आप ध्यान रखेंगे अपने दिमाग में तो आपकी वेट गेन जर्नी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होगी। सबसे पहला, डोंट ओवर थिंक, ज्यादा सोचना नहीं है, बस करना है। कब क्या कैसे खाना है, क्या क्या वर्कआउट्स करने हैं, बस जस्ट करना है। सोचना नहीं है कैसे और कब और कैसे, राइट, जस्ट डू इट। सेकेंड पॉइंट, आपको बिल्कुल भी ओवर प्रॉमिसिंग नहीं होना है। अपने ऊपर विश्वास रखो पर ओवर प्रॉमिस मत करो खुद से कि मैं 3 महीने में एनी हाउ कर लूंगी। टेंशन के कारण, प्रेशर के कारण आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आप परेशान हो सकते हो। ओवर प्रॉमिस मत करो, एवरी डे का प्रॉमिस करो अगर प्रॉमिस ही करना है कि हाँ आज मैं वर्कआउट एनी हाउ करूंगी, आज मैं 3 से 4 मील लूंगी, अभी तक मैं 3 ले रही थी, मैं 4 मील लूंगी। ये खुद से प्रॉमिस करो। नेक्स्ट, टालो मत कुछ भी कि आज मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूं, मैं कल से एक्सरसाइज शुरू करूंगी। नहीं, जितना ज्यादा टालते जाओगे मतलब जर्नी आपकी लंबी होती चली जाएगी। कंसिस्टेंसी मेंटेन करो वर्कआउट की। अगर 7 में से 5 दिन वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो तो 3 दिन वर्कआउट करो, बट कुछ ना कुछ जरूर करो अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, खुद को पॉजिटिव रखो कि हाँ मैं अपना वजन एनी हाउ बढ़ा लूंगी। पॉजिटिव रखो, खुद को पॉजिटिव रखने के लिए कुछ ऐसा काम करो जो आपको अंदर से खुशी देता हो। अगर किसी को डांस करना पसंद है तो हफ्ते में 1 दिन अपने लिए डांस करने निकाले, जिससे वो खुद को अंदर से अपने आप को जिंदा महसूस करे। जर्नी शुरू करनी है तो मैदान में उतरना ही पड़ेगा, और जब मैदान में उतरोगे तभी उसकी सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन, क्या सही है क्या गलत है, कैसे इस जर्नी को आगे बढ़ाना है, वो तभी मिल पाएगी। तो मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा आपको।